प्रिय विद्यार्थियों, आज जो ये वीडियो लेक्चर है वो बीए भाग तृतीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है भूगोल का, प्रादेशिक भूगोल, उसका द्वितीय भाग है। आज इस भाग में हम संकल्पना विकास, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रदेशों के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। किसी भी प्रदेश की संकल्पना का विकास निम्नांकित सूत्रों पर आधारित होता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भूगोल दिक् स्थान का विज्ञान है। उस विज्ञान के अंतर्गत जब तक हम भूगोल को प्रादेशिक स्वरूप में नहीं समझेंगे तो भूगोल के बारे में हमारी जानकारी उतनी पर्याप्त नहीं होगी। वस्तुतः समविन्यास प्रदेश को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। किसी भी भौगोलिक इकाई को यदि हमें विशिष्ट स्वरूप प्रदान करना है तो वो समविन्यास पर आधारित होता है। दूसरा, हमें हमेशा स्थानीय समांगता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भाई जो लोकल होमोजेनिटी है वो किस प्रकार कायम है। तीसरा, स्थानीय प्रक्रियाओं एवं उसके संरचनात्मक स्वरूप से विषम प्रादेशिक स्वरूपों को हम किस प्रकार अलग करें या समझें, उसके लिए आवश्यक है। चौथा, यदि विषमता है तो विषमता होने पर विभेदन, प्रदेश को कोई विशिष्ट स्वरूप प्रदान कर रहा है नहीं कर रहा, उसका अध्ययन भी किया जाता है। यदि हम देखें संकल्पना विकास का ऐतिहासिक प्रारूप का आधार इस संदर्भ में है ताकि एक विशाल भाग को विभाजित कर सभी का समाकलित अध्ययन किया जा सके। मूल रूप से जर्मन, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने प्रदेश संकल्पना को प्रतिपादित किया। संकल्पना के प्रारंभिक दौर में भौतिक नियंत्रण की अवधारणा प्रभावी थी, क्योंकि प्रारंभिक दौर था संभवत नियतिवाद का। नियतिवाद के उस दौर में हमारे धारणा ये थी कि प्रकृति सर्वोपरि है, मनुष्य का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, मनुष्य प्रकृति का दास है। तो उस समय ये माना गया कि मनुष्य पर भौतिक नियंत्रण की अवधारणा प्रभावी है, मतलब मनुष्य कुछ नहीं कर सकता इंडिविजुअल, उस पर प्रकृति का नियंत्रण है। लेकिन 20वीं सदी के बाद क्या हुआ, एक नई संकल्पना संभववाद का जन्म हुआ। संभववाद से आशय क्या था, मनुष्य ने इतनी तरक्की की कि वह प्राकृतिक तथ्यों को अपने अनुरूप उपयोग में लाने लगा, उनको अपने अनुरूप बदलने लगा। तो पुनः 20वीं सदी बाद प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। हम भौगोलिक तथ्यों को न सिर्फ प्राकृतिक वरन प्रादेशिक अध्ययन के आधार पर ही पढ़ने लगे। इसके आधार पर ही प्रादेशिक विभाजन संकल्पना का जन्म हुआ। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन आरंभ किया। इन भौगोलिक अध्ययन के आरंभ में या अध्ययन के आधार में प्राकृतिक सीमाओं की अवधारणा सबसे प्रमुख थी। अब यदि हम प्रदेशों को बांटे, मैंने प्रारंभ में कहा प्रदेश एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जो किसी न किसी आधार पर अपने अड़ोस पड़ोस से भिन्नता लिए होता है लेकिन विशिष्ट होता है। तो प्रदेश आशय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें समरूपता वहाँ के प्राकृतिक, जैविक एवं पूर्व के मानवीय परिवेश एवं मानवीय क्रियाकलापों के अंतर संबंधों एवं गतिशील अंतर क्रियाओं से सृजित हुई है। यदि हम परिभाषित करने की बात करें तो परिभाषित करने के अनुरूप प्रदेश वर्गीकरण एक कठिन और विशद प्रक्रिया है। जैसे हमने प्रदेशों को परिभाषित किया था तो अर्बर्टसन, डिकिंसन इत्यादि विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर प्रदेश को परिभाषित किया। इसी प्रकार प्रदेश वर्गीकरण के भी अलग अलग आधार हैं। सामान्य आधार पर जैसे विभिन्न विद्वानों प्रेस्टन, हर्बर्टसन, लिंटन, विटकसी, ये ऐसे प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने अलग अलग आधारों पर, जैसे विटलेसी ने कृषि प्रदेशों के आधार पर,
हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया पूरे संसार को। तो चूंकि यदि हम संक्षिप्त में देखें, ये सारे आधार क्या थे, लक्षण आधारित आधार थे। अब उन लक्षणों के आधार पर हमने पूरे संसार को मोटे तौर पर कुछ लक्षणों में बांटा, जैसे एक लाक्षणिक या बहुलाक्षणिक। जैसे हमने सिर्फ जलवायु लिया, जलवायु एक आधार था, एक लाक्षणिक। यदि हमने दो आधार लिए, जलवायु प्लस एग्रीकल्चर, तो हमने कर दिया बहुलाक्षणिक। तो एक आधार तो ये हो गया। फिर हमने उसको बांटे अलग अलग आधार पर। तो प्रदेश मोटे मोटे निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला एक लाक्षणिक, ऐसा प्रदेश जिसका विभाजन एक लक्षण के आधार पर हो। इनको विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इनकी विशेषता क्या होती है, इनके प्रकार क्या हैं, इनके उदाहरण क्या हैं। अभी मैं बिल्कुल आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि भाई एक लक्षण के आधार पर एक लाक्षणिक, यदि लक्षण एक से ज़्यादा हों तो बहुलाक्षणिक। तीसरा है सकल प्रदेश या कॉम्पेस, चूँकि ये एक व्यवस्थित प्रदेश है तो हमने सकल प्रदेश कह दिया। चौथा है समरूपी प्रदेश, एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र जिसमें लक्षणों की समरूपता हो। इनके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में, अगले व्याख्यान में आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ। फिर है संग्रंथित प्रदेश, नोडल प्रदेश। फिर सामान्य प्रदेश जिसके विभाजन के आधार सामान्य लक्षण है। फिर है विशिष्ट प्रदेश। कई बार क्या होता है, कुछ भौगोलिक प्रदेश की इकाइयाँ कुल किसी विशिष्ट आधारों पर विभाजित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, रूहर घाटी, जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र है वो औद्योगिक रूप से बिल्कुल विस्तृत क्षेत्र है, तो रूहर क्षेत्र है। या भारत में हम बात करें, दामोदर घाटी एक विशिष्ट क्षेत्र के उदाहरण है। तो ये हो गया विशिष्ट प्रदेश। फिर हो गया प्राकृतिक प्रदेश जिनके विभाजन का आधार प्राकृतिक है। फिर है भौगोलिक प्रदेश जो भौगोलिक आधारों पर विभाजित किया जाता है। फिर है कर्मोपलक्षी, हम वहाँ की आर्थिक और क्रियाविधि के आधार पर जो विभाजन किया उन्हें बोल दिया कर्मोपलक्षी। फिर आर्थिक प्रदेश, अर्थात विभाजन का आधार क्या रहे, आर्थिक क्रियाएं, उस क्षेत्र विशेष में आर्थिक क्रियाओं का जमाव किस प्रकार है। फिर है कार्यात्मक प्रदेश, कि साहब उस प्रदेश में कार्य विभाजन के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जाता है। तो ये प्रदेशों के विभिन्न आधार हैं। जो हमारा अगला वीडियो है, उस अगले वीडियो में हम इन प्रदेशों के विभिन्न प्रकारों के विभिन्न लक्षणों को बारी बारी से समझेंगे, उनका क्या आधार है, प्रत्येक भाग का क्या आशय है, प्रत्येक भाग के क्या उदाहरण हैं, इन सबको हम इस आधार पर समझेंगे। धन्यवाद। या